आरसीबी वर्सेस सीएसके टाटा आईपीएल के नेक्स्ट मैच में होगा सबसे बड़ा मैच दोस्तों। देखो ये ना प्लेऑफ से भी बड़ा मैच रहने वाला है दोस्तों। देखो इन दोनों टीमों के बीच जो राइवलरी होती है देखो बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है। आप ये मान के चल सकते हो इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी होती है। ठीक है गाइज, ये मुकाबला आज के दिन यानी कि 18 मई शाम के 7:30 बजे दोस्तों ये मैच बेंगलुरु के एम चन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां पर दोस्तों रिकॉर्ड है ना चेन्नई का ही बेस्ट है। देखो भाई बेंगलुरु का रिकॉर्ड बेंगलुरु में ही काफी घटिया रिकॉर्ड है। ठीक है, और गाइस देखो इस मैच में बारिश के इतने चांसेस हैं कि भाई क्या ही बोलूं। ठीक है तो भाई देखो इस मैच में क्या है कि देखो चेन्नई के प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के चांसेस कुछ मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो भाई अगर आप टीम बना भी रहे हो ना तो भाई देखो आप थोड़ा सा चेन्नई के फेवर में आप देखो भाई जाकर आप टीम बनाना। ठीक है बाकी दोस्तों वीडियो में आप भाई बने रहना, वीडियो में गाइस आपके लिए मैंने प्लेइंग 11 उसके साथ आपको मैं पिच रिपोर्ट के साथ दोस्तों अगर गाइस बारिश हुई तो आपको बैटिंग साइड को सपोर्ट करना या फिर बॉलिंग साइड को दोस्तों मैं आपको सारी बातें बिल्कुल डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में आपको अपनी टीम भी दूंगा जिस टीम के साथ आप किसी भी लीग को किसी भी कॉन्टेस्ट को आप आसानी से क्लीन स्वीप कर सकते हो अगर मैच हुई तो। ठीक है देखो भाई आरसीबी के साइड से भाई सबको न्यूज मालूम होगा दोस्तों। देखो विल जैक्स तो अब है ही नहीं। ठीक है अब गाइस देखो इनके प्लेस पे क्या है कि ग्लैन मैक्सवेल को खिलाया जाएगा। और गाइस अगर ग्लैन मैक्सवेल ने अब से चलना स्टार्ट किया ना तो देखो भाई इनकी सारी जो पहली वाली जो गलती होगी ना वो देखो सारी गलती माफ हो जाएगी। ठीक है तो भाई मेरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक यार हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई मेरे बंधु ठीक है भाई वीडियो को यार आप एक यार लाइक कर दो। भाई आईपीएल अपने सबसे लास्ट स्टेज पे भाई कम से कम भाई अब तो सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को लाइक करो शेयर करो। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई मेरे फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना होगा। लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के बिल्कुल टॉप पर दे रखा है। तो भाई मेरे जाओ और जाकर फटाफट से जाकर जल्दी से मेरे भाई ज्वाइन करो। ठीक है पहले कहते हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं पिच रिपोर्ट। देखो भाई पिच रिपोर्ट यहाँ पर ना किसी से छुपा नहीं है। देखो भाई एक ऐसी यहाँ की बाउंड्री डायमेंशन है बहुत छोटी है। ठीक है जिसके कारण देखो भाई चौके छक्के लगाना काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। पिच की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये पूरी की पूरी ये बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगी, बट अगर यहाँ पर बारिश होता है तो फिर गाइस एक बार ध्यान रखना भाई यहाँ पर फास्टर बॉलर फ्रेंडली पिच हो जाएगी। ठीक है लास्ट अगर मैं 3 मैच के विकेट स्टैट्स की बात करूँ तो फास्टर ने यहाँ पर 31 यानी कि 31 विकेट लिए हैं। वहीं स्पिनर के खाते में यहाँ पर केवल और केवल 7 ही विकेट आया। तो देखो एक बात मेरे ध्यान रखना, देखो स्पिनर से ज़्यादा यहाँ पर फास्टर बॉलर ही विकेट निकालता है खासकर। तो गाइस आपके टीम में फास्टर बॉलर ही ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है एवरेज स्कोर की बात करूँ तो देखो भाई इस फाइनल का एवरेज स्कोर 190 प्लस का रहता है। बट भाई देखो अगर आरसीबी या फिर अगर चेन्नई अपने फुल फ्लो में खेलेगी तो भाई यहाँ पर 200 या 210 प्लस बनने से देखो कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है बाकी कहीं देखो वेन्यू के रिकॉर्ड की बात करूँ, देखो भाई इस वेन्यू पर टोटल 94 मैचेस खेले गए हैं जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 40 बार और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा 52 बार मुकाबले को विन किया है। देखो भाई एक बार ध्यान रखना यहाँ पर सेकेंड बैटिंग करना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। बट दोस्तों जो यहाँ पर लास्ट का 3 मैच हुआ है ना, अगर आप लास्ट के 3 में से 2 मैच देखोगे तो भाई यहाँ पर पहले बैटिंग करते हुए टीम ने ही मुकाबले को विन किया है। ठीक है बट भाई देखो ऐसा ऐसा नहीं है हमेशा से। देखो देखो भाई चेजिंग टीम ही आपको फेवर करनी चाहिए। ठीक है देखो भाई चेज करना T20 के मैच में या फिर किसी भी मैच में टेस्ट मैच को छोड़ दो तो भाई देखो काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। और देखो भाई अगर आपको स्कोर कार्ड में ना अगर आप कॉमन चीज़ देखोगे तो भाई देखो कॉमन चीज़ क्या है कि भाई यहाँ पर स्पिनर से ज़्यादा विकेट फास्टर बॉलर ने निकाला है। तो एक बार ध्यान रखना स्पिनर को ना लेकर फास्टर बॉलर को आप अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा आप देखो भाई प्रेफर करना है। ठीक है बात करें दोस्तों इन दोनों टीमों के हेड टू रिकॉर्ड की या फिर आप बोल सकते हो भाई इन दोनों टीमों के पास्ट रिकॉर्ड की। देखो भाई पास्ट में अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो देखो दोनों टीमों ने टोटल मतलब एक साथ 31 मैच खेले हैं जिसमें से भाई केवल 10 बार ही आरसीबी मुकाबले को जीत पाई। और गाइस देखो टोटल 21 बार चेन्नई सुपर किंग ने आरसीबी को हराया। तो अगर आप देखो टोटली अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो भाई देखो वो रिकॉर्ड चेन्नई सुपर किंग के फेवर में ही है। ठीक है बट देखो भाई मुझे ऐसा आज ऐसा भाई अंदर से फील आ रही है कि दोस्तों इस मैच को आरसीबी जीत कर वो टॉप 4 में क्वालिफाई कर लेगी। ठीक है और गाइस देखो अगर आप लास्ट के 4 मैच का रिसेंट फॉर्म देखोगे तो भाई देखो आरसीबी अपनी लास्ट के चारों मैच जीत कर आ रही है। वही दोस्तों यहाँ पर चेन्नई अपनी भाई लास्ट के 4 मैच में से 2 मैच जीती है, 2 मैच गाइस ये हारी भी है। ठीक है तो अगर आप रिसेंट फॉर्म के बेस पे या फिर अगर आप होम टीम को देखकर अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आप इस मैच में देखो भाई 55% आप देखो आप आरसीबी को आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी दोस्तों पास रिकॉर्ड में भाई चेन्नई आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखने वाला है। ठीक है बाकी दोस्तों देखो यार मेरा ऐसा मानना है गाइस, मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि भाई इस मैच में आरसीबी दोस्तों अपना परचम लहराने वाली है। और अगर भाई आरसीबी जीत गई तो ये भाई एक बार ध्यान रखना भाई ये टीम इस बार आईपीएल भी उठा लेगी। भाई एक बार ध्यान रखना, मेरा ये क्लिप है ना भाई सेव करके रख लो। ठीक है बात करें दोस्तों टीम की तो देखो भाई टीम में क्या है ना कि देखो अब विल जैक्स बाहर जाएगा तो भाई देखो फिर जो ऑटोमेटिक है भाई यहाँ पर आपको ना टीम में
ग्लेन मैक्सवेल आपको इन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए तो प्लेइंग 11 आपके सामने, बाकी दोस्तों एक बार ध्यान रखना भाई, 100% ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है, ठीक है। फिलहाल के लिए दोस्तों फॉफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों प्लेयर ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। देखो भाई फॉफ डू प्लेसिस लास्ट दो मैच में फ्लॉप रहा है, कोहली देखो भाई लास्ट मैच में उन्होंने 27 रन बनाया था। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो भाई काफी बढ़िया फॉर्म है, हेड टू कोट आपने यहाँ पर देख सकते हो 27 का एवरेज है और इस वेन्यू पर दोस्तों ये 50 के ऊपर के एवरेज से खेलते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं फॉफ डू प्लेसिस की बात करूँ तो क्या जिनका जो जो चेन्नई के खिलाफ रिकॉर्ड है वो भाई इनका 35 का एवरेज है और इस वेन्यू पर दोस्तों इन्होंने 40 के एवरेज से 14 मैच में टोटल 500 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए हुए। तो देखो भाई दोनों ओपनर आपके लिए मैं बोलूंगा सेफ ऑप्शन रहेगा स्मॉली के लिहाज से। नंबर 3 पर रजत पाटीदार, दोस्तों देखो ये ना जैसे भाई ये बंदा क्या है कि ये स्पिन को इतना अच्छा खेल लेता है भाई, देखो उतना अच्छा पूरे इस टीम में कोई नहीं खेलता होगा कोहली को छोड़कर, ठीक है। बट अगर आप इनका हेड टू रिकॉर्ड देखोगे तो भाई देखो दो मैच में केवल 21 रन और इस वेन्यू पर 6 मैच में टोटल गए जिन्होंने अभी तक 113 रन बनाया हुआ है। तो देखो भाई रिकॉर्ड तो दोस्तों देखो इनके फेवर में नहीं है, बट देखो फिर भी भाई जैसा फॉर्म में चल रहा है और अगर आपने जैसा इनका मैच देखा होगा दोस्तों उसके लिहाज से आप इन्हें ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले सकते। नंबर 4 पर कैमरन ग्रीन, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, फास्ट बॉलर बोल सकते हो। लास्ट मैच में उन्होंने 32 रन के साथ एक विकेट लिया था, उसके पहले मैच में 46 रन, उसके पहले मैच में उन्होंने भाई 1 रन के साथ एक विकेट। मतलब गाइस ये बंदा क्या है कि आपको सेकेंड डायमेंशनल, मतलब आपको ये बैटिंग और बॉलिंग आपको ये भाई दोनों से पॉइंट ला कर देगा, ठीक है। इनका यहाँ पर हेड टू रिकॉर्ड देख लो गाइस, इनका वेन्यू पर 6 मैच में टोटल 83 रन है, 7 में उन्होंने 3 विकेट लिया हुआ है, ठीक है। भाई देखो रिकॉर्ड तो इनके फेवर में नहीं है, बट देखो फिर भाई ऑलराउंडर गाइस हमेशा से आपके लिए सेफ ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। अब भाई देखो नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल भी खेलने आ सकता है और अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलता है तो फिर गाइस देखो आपको एक एक्स्ट्रा प्लेयर जो कि देखो भाई टोटल 4 क्या है ना कि ओवरसीज प्लेयर को ही देखो हम खिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो पहला प्लेयर तो हो गया भाई फॉरवर्ड प्लेसेस, उसके साथ हो गया भाई हमारा कैमरन गेन और फिर गाइस हो गया हमारा यहाँ पर लॉकी फर्गसन। अब देखो भाई अगर इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल खेलता है तो फिर देखो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर बेंच पर जाता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। फिलहाल के दोस्तों यहाँ पे देखो दिनेश कार्तिक, जिसके दोस्तों संभावना है कि भाई इस मैच में बैटिंग ना आए, ठीक है। अब बाकी दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड आप इनका यहाँ पर देख सकते हो, 38 का एवरेज है। बाकी वेन्यू पर भी इन्होंने 20 के एवरेज से रन बनाया हुआ है। उसके अलावा स्वप्निल सिंह, देखो भाई स्वप्निल सिंह भी ऐसा बंदा है कि भाई जब से ये बंदा आया ना जो भाई लगातार आरसीबी अपनी 5 की 5 मैच जीती है, ठीक है। तो देखो भाई ये थोड़ा सा लकी चैंप रहेगा। बाकी वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो इनके फेवर में, भाई कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बट देखो भाई बंदा लकी चैंप है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों महिपाल डोमरोल जो कि आपको इस मैच में बेंच पर जाता हुआ दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है। बाकी दोस्तों आपके लिए मैं बोलूंगा अगर खेलता भी तो भाई बहुत ही रिस्की ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा दोस्तों लॉकी फर्गसन, पिछले दोस्तों 2 मैच में भाई इसने भी बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है, 2-2 विकेट उन्होंने दोनों मैच में लिए हैं। बाकी वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो, 2 मैच में 4 विकेट। हालांकि दोस्तों इनकी इकोनॉमी हमेशा से हाई रहती है, बट देखो फिर भी भाई बंदा विकेट निकालने में अब कामयाब हो गया, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, राइट आर्म फास्ट बॉलर, भाई देखो लास्ट का इनका जो 4 मैच गया ना भाई, देखो इनका लास्ट का 4 मैच भाई अलग ही वे में गया है, ठीक है। अब गाइस ये देखो ये भी अपने अलग फॉर्म में आ गया है, ठीक है। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू पर 20 मैच में 25 विकेट, 8 की मतलब आप लगभग बोल सकते हो 9 की है इकोनॉमी। और गाइस सबसे इनका रिकॉर्ड खराब है चेन्नई के खिलाफ, 10 मैच में केवल 2 विकेट। तो देखो भाई थोड़ा सा मैं बोलूंगा ये मतलब फॉर्म में तो है, बट दोस्तों देखो जो इनका हेड टू रिकॉर्ड है ना तो गाइस इनके फेवर में नहीं है। इसके अलावा दोस्तों करण शर्मा, लेग स्पिनर बॉलर, ठीक है। देखो भाई करण शर्मा आपके लिए मैं हमेशा से बोलता हूँ भाई सेकंड इनिंग में आप इन्हें ट्राई करना। वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो, 6 मैच में 8 विकेट, बट देखो मैं फ्री बोलूंगा आपके लिए सेकंड इनिंग में बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा यश दयाल, लास्ट मैच में 3 विकेट और वेन्यू पर 7 मैच में 9 विकेट। हेड टू रिकॉर्ड कोई उनका उतना कोई खास नहीं है, बट देखो फ्री भाई आप इस मैच में दयाल और मिचल सॉरी मोहम्मद सिराज को आप देखो ले सकते हो, ठीक है। दोस्तों बॉलिंग रोल की बात करूँ तो गाइस जो स्टार्टिंग का ओवर है, स्टार्टिंग का फेस है पहला पावर प्ले, इसमें आपको मोहम्मद सिराज, लॉकी फर्गसन और आपको यश दयाल दिखेंगे पहले पावर प्ले में। और दोस्तों डेथ ओवर में आपको मोहम्मद सिराज का ओवर, यश दयाल का ओवर, फिर आपको यहाँ पर कैमरन गिन का ओवर आपको देखने को मिलने वाला है आरसीबी के साइड से। तो देखो भाई इस मैच में आपके लिए सिराज, दयाल और कैमरन गिन दोस्तों ये तीनों बॉलर आपके टीम में होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करें थाला यानी कि चेन्नई सुपर किंग की, तो देखो भाई थाला की टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। दोस्तों देखो यार इनकी टीम ना बिल्कुल सेम ही रहती है जो कि अब ये अपना लास्ट मैच जीत कर आ रही है। तो देखो भाई इनकी टीम ना ऑलमोस्ट सेम रहेगी, अगर बाय चांस कोई अनएक्सपेक्टेड एक दो चेंजेस होता भी है तो देखो मैं आपको सारा का सारा अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको डाल दूंगा, तो भाई आपको टेंशन लेने की कोई ज़्यादा जरूरत है नहीं। फिलहाल के लिए देखो रचिन रविंद्र, देखो भाई जो इनका है ना, देखो भाई इनका जो स्टार्टिंग का जो 3-4 मैच था भाई काफ़ी अच्छा गया था, बट दोस्तों देखो जैसे जैसे भाई टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया दोस्तों वैसे वैसे दोस्तों इनकी जो ग्राफ है ना वो नीचे आती गई और देखो भाई फिर इन्हें बीच में भाई 6-7 मैच भाई इन्हें ड्रॉप किया गया था, ठीक है। बट देखो फिर भाई ये स्टिल अभी ने क्या है कि प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है और अगर भाई ये बंदा खेलता है तो फिर आपको रचिन रविंद्र को अपने स्मॉल की टीम में लेना होगा दोस्तों, यार रहाने से अच्छा खेल लेता है, ठीक है। उसके अलावा गाइस ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, अच्छा खासा फॉर्म है, राइट हैंड बैटिंग करता है। वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो भाई,
एक मैच में 3 रन, और गाइज को हेड टू हेड 7 मैच में उन्होंने भाई टोटल 200 रन के आसपास रन बनाया, एवरेज भाई इनका 33 का है, ठीक है। टोटली मैं बोलूंगा देखो आपके लिए दोनों ओपनर भाई सेफ ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, अपनी टीम में देखो दोनों को लेकर चलना। नंबर 3 पर डेरी मिचेल राइट हैंड बैटिंग करता है, राइट हैंड मीडियम पार्ट टाइमर बॉलर भी है, ठीक ठाक ऑप्शन है भाई। देखो ऐसे ऐसे प्लेयर को आप देखो ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि भाई देखो इन्हें खुद नहीं पता होता कि भाई कब बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके दे दे, ठीक है भाई। दोस्तों नंबर 4 पर शिवम दुबे गाइज लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, राइट हैंड मीडियम पार्ट टाइम बॉलर भी है, ठीक है। हेड टू हेड गाइज आपके सामने 4 मैच में 227 रन, भाई काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड है। और देखो अगर आप इनका फॉर्म देखोगे तो देखो भाई बीच में 2-3 मैच में फॉर्म डाउन तो गया, बट देखो ओवरऑल काफ़ी गाइज आपके लिए मैं बोलूंगा सेफ ऑप्शन है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मोइन अली लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, राइट हैंड और स्लो बॉलर है। और दोस्तों देखो इन्हें क्या है कि कभी कभी बॉलिंग मिलती है और कभी कभी 2-3 मैच में इन्हें बॉलिंग साफ नहीं मिलती है, ठीक है। बाकी वेन्यू का रिकॉर्ड देख लो, 7 मैच में 150 से ज़्यादा रन है, और जो हेड टू रिकॉर्ड है भाई वो देखो 4 मैच में टोटल 80 रन है, और 7 में भाई उन्होंने 3 विकेट भी लिया हुआ है, ठीक है भाई। दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, हेड टू रिकॉर्ड भाई देखो काफी शानदार, 17 मैच में 188 रन, 7 में इन्होंने भाई 18 विकेट अपने नाम किया है, और वहीं पर इन्होंने भाई 6 मैच में टोटल 6 विकेट लिया। तो देखो भाई काफी बढ़िया रिकॉर्ड है जडेजा का यहाँ पर RCB के खिलाफ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सेमी रिजवी रिस्की ऑप्शन रहेगा, बाकी यहाँ पर MS धोनी भाई इनकी बैटिंग यार आएगी नहीं। और देखो MS धोनी का वैसे इस वेन्यू पर रिकॉर्ड काफी शानदार है, 40 का एवरेज, और हेड टू रिकॉर्ड भाई इन्होंने 14 मैच में 329 रन बनाया है भाई, 65 का एवरेज है। मतलब यार गाइस ये ना इस वेन्यू पर और RCB के खिलाफ खेलना ये पसंद करता है, बट देखो भाई इनकी बैटिंग ना काफी लोअर ऑर्डर में आएगी, और भाई देखो लोअर ऑर्डर में जिनकी बैटिंग आती है उन्हें देखो ज्यादा बॉल खेलने का चांस नहीं मिलता। इसके अलावा दोस्तों महेश तिक्सना राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, हेड टू रिकॉर्ड भाई आपके सामने है, 4 मैच में 8 विकेट, काफी बढ़िया बॉलिंग किया है। वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मैच में इन्होंने 1 विकेट अपने नाम किया है, ठीक है। इसके अलावा तुषार देश पांडे राइट आर्म मीडियम बॉलर भाई, इनका जो लास्ट 4 मैच गया भाई देखो ये बंदा ना भाई विकेट निकाल लेता, चाहे इसे कितना भी रन पड़े भाई, बट ये बंदा विकेट आपको निकाल कर दे देगा। हेड टू रिकॉर्ड आपके सामने है, 2 मैच में 3 विकेट, और वेन्यू पर भी इन्होंने 1 मुकाबले में 3 विकेट अपने नाम किया हुआ है। हालांकि इनकी मैंने आपको पहले बोल दिया भाई इनकी इकोनॉमी हमेशा से हाई रहती है, बट दोस्तों ये बंदा विकेट निकाल कर आपको दे देगा। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर राइट आर्म फास्ट बॉलर, और यहाँ पर सिमरनजीत सिंह जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था। बाकी ओवरऑल आप इनका यहाँ पर रिकॉर्ड देख लो, वेन्यू पर आज तक 1 भी मैच खेला नहीं है, और हेड टू रिकॉर्ड भी आपके सामने है, 1 मैच में 0 विकेट। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपके लिए शार्दुल ठाकुर इस मैच का ट्रम गार्ड पिक हो सकता है, वेन्यू पर 3 मुकाबले में 5 विकेट, और हेड टू रिकॉर्ड भी आपके सामने 9 मैच में उन्होंने टोटल 13 विकेट अपने नाम किया हुआ है, ठीक है। काफी बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी मेरे भाई बॉलिंग रोल की बात करूं, कौन कौन से बॉलर यहां पर कहां पर बॉलिंग करने के लिए आएंगे, जो भाई जो स्टार्टिंग का फेस है यानी कि पहला पावर प्ले, इसमें आपको तुषार देश पांडे, महेश तिक्षणा और आपको शार्दुल ठाकुर, ये 3 बॉलर आपको पहले पावर प्ले में दिखेंगे। और दोस्तों डेथ ओवर में आपको शार्दुल ठाकुर का ओवर, सिमरनजीत सिंह का ओवर जिन्होंने भाई पिछले मैच में काफी शानदार बॉलिंग की थी, इसके साथ आपको तुषार देश पांडे आपको डेथ ओवर में बॉलिंग अटैक पर आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। बाकी मेरे भाई यहां पर मैं फाइनल टीम की बात करूं भाई, एक बात मेरे भाई ध्यान रखना, देखो मेरी फाइनल टीम है ना, देखो इस मैच में भाई रेन के चांस काफी ज्यादा हैं, और देखो फाइनल टीम आपको मैं टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो भाई मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भाई मेरे जाओ जाकर जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, ठीक है। आपको भाई हमारी फाइनल टीम फाइनल अपडेट और गाइस को आपको मैं सारा जो अपडेट है दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको देखो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है भाई। दोस्तों देखो फिलहाल के लिए ये जो बैटिंग ग्राउंड है, तो गाइस देखो मैंने अपने टीम में बैट्समैन को थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट किया हुआ है, बट अगर आपको थोड़ा सा एक रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर जडेजा को ड्रॉप करके आप इस मैच में देखो आप ग्लेन मैक्सवेल को आप जरूर ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो वैसे ये जो वेन्यू है ना, देखो स्पिनर फ्रेंडली वेन्यू नहीं है, और देखो भाई जडेजा ना वैसे क्या है कि अपने कोटे का 4 ओवर बॉलिंग करता है फिर ये बैटिंग भी करने आ जाता है। तो देखो मैंने अभी के लिए अपनी टीम में पिक किया है, बाकी अगर आपको अपनी टीम में मैक्सवेल को लेना है तो फिर आप यहाँ पर को ड्रॉप करके या फिर आप शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करके आप यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को आप अपने टीम में ले सकते हो। अभी के लिए गाइस मेरा पर कैप्टन विराट कोहली है, ठीक है। दोस्तों वीसी के लिए दोस्तों अभी के लिए गाइस चॉइस आपके पास बहुत सारे हैं, दोस्तों अभी के लिए मैं सेफ गया हूं, ऋतुराज गायकवाड मेरे वीसी रहेंगे। बाकी दोस्तों इस मैच में फॉप डू प्लेसिस के चलने के साथ मुझे थोड़ा सा ज्यादा हाई लग रहा है, तो गाइज आप चाहो तो आप इस मैच में फॉप डू प्लेसिस को भी आप देखो ले सकते हो, ठीक है। बाकी मेरे भाई फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई मेरे वीडियो को आप क्या कर दो फटाफट से लाइक, आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहता तो हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। और भाई आप अपना बेस्ट कमेंट ड्रॉप करना, आप देखो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलना, ठीक है भाई। आप अपना सबसे बेस्ट कमेंट आप देखो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप जरूर कर देना, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी दोस्तों को हमारे साइड से बेस्ट ऑफ लक।